A demon that only you can see. What do they do? How does it feel? How does what feel? This is an assurance. I have no cause for alarm. तो अब अपने बदले की आग में मेरी किस हद तक जाएगी? कॉटन चुड़ैलों के शक में अब किस इनोसेंट को सजा देगा? क्या जॉर्ज मेरी की सच्चाई किसी को बता पाएगा? मेरी ने जो एना पर ब्लैक मैजिक किया था वो एना पर क्या असर करेगा? ये हम आज के एपिसोड में जानने वाले हैं। तो आइए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों तीसरे एपिसोड की शुरुआत होती है एन से, जो कि जॉन के साथ में इंटीमेट हो रही थी कि तभी उसे कॉटन और मेरी दिखाई देते हैं, जो कि उसको बोल रहे थे कि शादी से पहले इंटीमेट होकर एना पाप कर रही है, जिसकी उसे मौत की सजा दी जाएगी। एना बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, लेकिन यह बस एना का एक भयानक सपना था। फिर अगले सुबह एना अपनी नींद से उठ जाती है और एना देखती है कि उसकी आंखें पूरी काली हो गई है। एना डर गई थी, लेकिन अगले ही पल एना को अपनी आंखें नॉर्मल दिखाई देती है और हम देखते हैं कि रूम में रखा हुआ वही वुडू डॉल एना पर नजर रखे हुआ था, लेकिन एना का ध्यान उस डॉल पर नहीं जाता है। फिर उसी सुबह एजेक ब्रिजेट की डेथ बॉडी को जंगलों में फेंकने ले जा रहा था और सालिम के लोग ब्रिगेट को चुड़ैल मानकर उसे बहुत उल्टी सीधी गाली दे रहे थे। और यहाँ पर चुड़ैलों को एक और मासूम की डेथ बॉडी मिल गई थी, जिससे कि वो डेविल को खुश कर सकती थी। फिर उसी टाइम एक ऑर्फनेज पर एक चोर चोरी करने के लिए आता है और वहाँ पर एना बच्चों को बचा रही थी। उनकी आवाज़ सुनकर जॉन और कॉटन वहाँ पर आते हैं, जिन्हें देखकर वो चोर वहाँ से भाग जाता है। अब एना कॉटन से नाराज थी और उसको बुरा भला कह रही थी। फिर जॉन एना को घर छोड़ने के लिए जाता है और उन दोनों को एक साथ में देखकर मेरी को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है। कुछ समय के बाद में मिस्टर हैल जंगल के बीच पेट्रस के घर पर जाते हैं और पेट्रस उनको आइजक के बारे में बताता है, जिसने चुड़ैलों को रिचुअल करते हुए देख लिया था, लेकिन दूसरा आदमी कौन था ये पेट्रस को अभी तक नहीं पता चला था। मिस्टर हैल के जाने के बाद में जॉन पेट्रस के घर में घुसता है और जॉन मिस्टर हैल का पीछा करके वहां तक आया था, लेकिन तब तक वहां पर पेट्रस नहीं था और घर पर बहुत सारे मरे हुए जानवर पड़े हुए थे। तभी वहां पर एक मरा हुआ डॉग जिंदा हो जाता है और वो जॉन पर हमला करने आता है और बाहर मिस्टर हैल जॉन को उस डॉग से बचा लेते हैं। जॉन मिस्टर हैल से पूछता है कि वो वहां पर क्यों आए हैं, लेकिन मिस्टर हैल जॉन को कुछ भी ठीक से नहीं बताते हैं। अब इस तरफ जॉर्ज अपने मुंह से उस मेंढक को निकालने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से जॉर्ज के मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन वो मेंढक मेरी की परमिशन के बिना बाहर नहीं आ सकता था। उसी दिन आइजक मेरी को एक पार्सल देने आता है और बातों ही बातों में मेरी आइजक को एबिगल के बारे में पूछती है। आइजक के साथ एबिगल को पब्लिकली शर्मिंदा करने के बाद में एबिगल कहीं पर गायब हो गई थी और तब से वो आइजक को नहीं मिली थी और आइजक अभी भी उसे प्यार करता है। मेरी भी आइजक को अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी और मेरी की तरह आइजक को भी सालिम के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दी थी। वहाँ से निकलने के बाद में आइजक को कोई आदमी किडनैप कर लेता है और जंगल की तरफ लेकर चला जाता है और वहाँ पर वो अजीब सा दिखने वाला आदमी आइजक को कुछ खिलाकर और उसको ब्लैक कलर लगाकर ये पूछता है कि उस रात उसके साथ में कौन कौन था। आइजक बहुत नशे की हालत में था तो कुछ नहीं बता पाता है और आइजक को अपने पास डेमोनिक लोग नजर आ रहे थे और आइजक कुछ ही देर बाद में बेहोश हो जाता है। फिर रात को मिस्टर हेल आइजक के पास में आकर उसकी पॉकेट में विच स्पेल की कुछ चीज़ें डालकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ कॉटन उसी प्रोस्टिट्यूट ग्लोरी के पास आया हुआ था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो प्रोस्टिट्यूट और कॉटन दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन समाज के डर से दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर पाते हैं। ग्लोरिया को डर था कि एक दिन उसको भी चुड़ैल होने के शक में मार दिया जाएगा, लेकिन कॉटन उसको समझाता है कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। तभी बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और आइजक बाहर पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। लोग आइजक के इस बिहेवियर से डर रहे थे और जॉन आइजक को संभालने की कोशिश करता है और तभी मिस्टर हेल वहाँ पर आइजक को जेल में बंद कर देते हैं। आइजक मेरी का बहुत ही अच्छा दोस्त था और वो नहीं चाहती थी कि आइजक को कोई भी नुकसान पहुँचे, भले ही आइजक ने चुड़ैलों को देखा हो, लेकिन मेरी मिस्टर हेल को ऑर्डर देती है कि वो आइजक को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मेरी फिर टिटुबा को रोज नाम की एक चुड़ैल को ढूंढने का ऑर्डर देती है। फिर इधर कॉटन को आइजक के पॉकेट से विच क्राफ्ट की चीज़ें मिलती है, लेकिन वे लोग ये समझ नहीं पाए थे कि आइजक खुद एक विच है या फिर उस पर किसी ने विच क्राफ्ट किया हुआ है, लेकिन अपना राज छुपाने के लिए मिस्टर हाले आइजक को ख़त्म करना चाहते थे। उसी रात मेरी रोज से मिलने के लिए जाती है और रोज के मुताबिक हाले एक बहुत ही पुराने विच थे, लेकिन मेरी फिर भी उनको अपना डिसीजन मनवाने के लिए मजबूर कर रही थी। मेरी नहीं चाहती थी कि उसके विच होने की वजह से जॉन को कोई भी तकलीफ हो,
और रोज यहाँ पर मेरी को समझाती है कि मिस्टर हैले को मेरी कमजोर समझने की गलती ना करे, क्योंकि मिस्टर हैले बहुत ही पुराने विच है। अब वापस आने के बाद में मेरी को पता चलता है कि आइजक होश में नहीं है और उसने अब तक कुछ भी नहीं बताया है। इधर आइजक को अपने पास में एबिकल नजर आने लगती है, जो कि उससे पूछ रही थी कि उस दिन जंगल में उसके साथ में उसके अलावा चुड़ैलों को और कौन देख रहा था। तब आइजक एबिगल को बता देता है कि उस रात जॉन उसके साथ में था। कॉटन बाहर से आइजक के बिहेवियर को देख रहा था तो उसको कुछ भी समझ नहीं आता है, लेकिन हमें पता चलता है कि वहां पर कोई भी एबिगल थी ही नहीं। आइजक से बात निकलवाने के लिए मेरी एबिगल का जादू चला रही थी। वो दूसरा आदमी जॉनी था जिसने विचेस को रिचुअल करते हुए देखा था। ये जानकर मेरी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। फिर अगली सुबह मेरी मिस्टर हैले के घर पर जाती है और उनको बताती है कि आइजक उस दिन अकेला जंगल में था तो इसीलिए उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन मिस्टर हैले उनके काम में कोई भी रुकावट नहीं चाहते थे और वे आइजक से पूरी बात को निकलवा कर वो उसे फांसी की सजा देने वाले थे। और मिस्टर हैले इस बार मेरी की कोई भी बात नहीं सुनते हैं। और इस तरफ आइजक कॉटन को उस रात विचेस की पूरी बातें बता रहा था। आइजक के मुताबिक उसने विचेस को देखा था तो इसीलिए उसे इस तरीके से फंसाया जा रहा है। मेरी भी यहाँ पर जॉन को ये सलाह देती है कि वो आइजक को बचाने के लिए कुछ करें, नहीं तो मिस्टर हैले आइजक को फांसी की सजा दे देंगे। दूसरी तरफ एना भी अपने पिता मिस्टर हैले से नफरत करती थी, क्योंकि उनके जैसे लोगों की वजह से उसकी एक अच्छी दोस्त ब्रिगेट मारी गई थी और अब वे लोग आइजक को भी मारने जा रहे थे, लेकिन मिस्टर हैले के मुताबिक ये सब बस वो अपनी फैमिली की भलाई के लिए कर रहे थे। फिर कुछ देर के बाद में आइजक को लेने के लिए जॉन और मिस्टर हैले की लड़ाई होती है और मिस्टर हैले जॉन को भी जेल में डालने का ऑर्डर दे देते हैं। मिस्टर हैले को अपनी बात मनवाने के लिए मेरी एना पर फिर से ब्लैक मैजिक करने लगती है। एना का वुडू डॉल बार बार अपनी जगह बदलते हुए दिखाई देती है। एना बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो भी अजीब बिहेव कर रही थी और एना को खून की उल्टियां भी होने लगती है। डॉल को देख कर ही मिस्टर हैले समझ जाते हैं कि ये सब मेरी करवा रही है और फौरन मेरी के पास में जाकर उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एना के साथ में ये सब कुछ ना करे, जिसके बदले में वो मेरी की हर बात मानने के लिए तैयार है। मेरी भी मिस्टर हैले की बात मानकर एना से ब्लैक मैजिक का जादू हटा देती है। ब्लैक मैजिक का जादू हटाने के बाद में कुछ ही देर के बाद एना फिर से नॉर्मल हो जाती है, लेकिन अब मिस्टर हैले अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। मिस्टर हैले भी मेरी की बात मानकर जॉन और आइजक को छोड़ देते हैं और आइजक के फ्री होने पर मेरी खुश थी, लेकिन वो जॉन को समझाती है कि वो बच गए लेकिन अगली बार ऐसा मौका उन्हें नहीं मिलेगा और वो हमेशा उनको नहीं बचा सकती है। लेकिन जॉन को मेरी की बात ठीक से समझ नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉर्ज अपने पेट के अंदर पल रहे मेंढक को मारने की कोशिश कर रहा था और इसी के साथ में एपिसोड 3 खत्म होता है। यहाँ से शुरुआत होती है एपिसोड 4 की, जहाँ पर मर्सी की हालत दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी और तब मर्सी के फादर बैरन मर्सी पर एग्जोसिस्म परफॉर्म करते हैं। एग्जोसिस्म करना सालेम में एक पाप माना जाता है, लेकिन फिर भी बैरन चुपके से अपनी बेटी मर्सी के लिए एग्जोसिस्म परफॉर्म करते हैं। बैरम एक चाकू लेकर मर्सी के पेट को थोड़ा सा काटते हैं और तब वहाँ पर एक स्नेक बाहर निकलता है और इसी स्नेक की मदद से मेरी मर्सी को कंट्रोल कर रही थी। अब हम साले में एक नए आदमी को भी देखते हैं जिसका नाम विलियम था। विलियम कोई पार्सल शिप से लाने वाला था, लेकिन मेरी ने सालेम को कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया था, जिस वजह से विलियम को सालेम में ही रुकना पड़ेगा। अब हम जॉन को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट के ग्रेव पर आया हुआ था, जहाँ पर एना उससे बात करने के लिए आती है। एना जॉन को अपने ऊपर हुए ब्लैक मैजिक के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि वुडू डॉल को उसके फादर जब कहीं पर ले गए थे तब एना पर ब्लैक मैजिक का असर खत्म हो गया था और एना को यह सब किसी सपने के जैसा लग रहा था। इस बात को सुनकर जॉन को मिस्टर हैले पर शक होता है कि तभी मिस्टर हैले भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि एना को घर पर ले जाते हैं। एना पर ब्लैक मैजिक स्पेल होने की बात को जॉन कॉटन को बताता है, लेकिन कॉटन का ध्यान ग्लोरिया पर था जो कि विलियम के साथ में बातें कर रही थी। कॉटन विलियम से बात करने जाता है और उसको ग्लोरिया से दूर रहने को कहता है और दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है, जहां पर जॉन आकर कॉटन को रोक देता है। विलियम को देखकर जॉन हैरान था, जैसे कि विलियम को जॉन जानता हो, लेकिन फिर भी जॉन से कॉटन कहता है कि वो विलियम को नहीं जानता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मर्सी को बैरन घर के बाहर लेकर आए थे और तब मर्सी उनसे बात करने के लिए जाती है, लेकिन मेरी को देखकर मर्सी अपना आपा खो देती है और वो अजीब अजीब बिहेव करने लगती है। मर्सी को देखकर लोग उससे डर रहे थे,
और मैरी मर्सी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और कुछ ही देर में मर्सी बेहोश हो जाती है। फिर मैरी टिटुबा और मिस्टर हाले रोज से बातें करने जाते हैं और फुल मून से पहले उनको 13 इनोसेंट की बलि पूरी करनी थी, लेकिन मर्सी से अब उनका कंट्रोल खो गया था। और फिर भी मैरी रोज को यकीन दिलाती है कि वो मर्सी को फिर से कंट्रोल कर लेगी। मिस्टर हाले के मुताबिक उनका सबसे बड़ा खतरा जॉन था, जिसको उन पर धीरे धीरे शक होता जा रहा था। रोज फिर मिस्टर हाले को जॉन का भरोसा जीतने की सलाह देती है। मर्सी को मैरी क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसका पता लगाने के लिए मैरी कॉटन का यूज करती है और कॉटन को मैरी अपनी बातों में फंसाती है ताकि कॉटन मर्सी को चेक करने के लिए जाए। यहाँ पर मिस्टर हाले जॉन का भरोसा जीतने के काम में लग जाते हैं और वो जॉन को एक डिनर पार्टी में इनवाइट करते हैं और वो वहाँ पर जॉन से बहुत ही अच्छे तरीके से बातें भी करते हैं। लेकिन जॉन का ध्यान तो विलियम पर था। जॉन फिर विलियम के पीछे जाता है ताकि वो उससे बातें कर पाए और दोनों की बातों से ऐसा लगता है जैसे कि विलियम जॉन और मैरी के अफेयर के बारे में सब कुछ जानता हो। इसीलिए जॉन विलियम को जल्दी शिप से अपना सामान लेकर सालेम से निकल जाने को कहता है और उन दोनों को बात करता हुआ टिटुबा चुपके से देख रही थी। उसी रात को मैरी मिस्टर हाले के घर पर डिनर पर जाने के लिए निकलती है और मैरी के जाते ही जॉर्ज एक किल को अपने पैरों में घुसाकर उसके खून से एक पेपर पर कुछ लिख देता है। फिर घर के बाहर मैरी को विलियम मिलता है जो कि उसको क्वारंटाइन खोलकर उसके शिप को वहां से जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन मैरी इसके लिए उसे मना कर देती है। दूसरी तरफ कॉटन मर्सी को चेक करने के लिए गया हुआ था और वहां पर उसको पता चलता है कि मर्सी पर एग्जोसिस्म किया गया है, लेकिन फिर भी बैरम इस बात को कॉटन से छुपाने की कोशिश कर रहा था। फिर हम मिस्टर हाले के घर की पार्टी को देखते हैं जहां पर मैरी एना के गले पर एक लॉकेट को नोटिस करती है जो कि मिस्टर हाले ने विचेस से प्रोटेक्शन के लिए एना को दिया था, और उस लॉकेट को छूते ही मैरी की उंगलियां जल जाती है। अब पार्टी में जॉन आता है और मिस्टर हाले उसका बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम कर रहे थे, लेकिन फिर भी जॉन मिस्टर हाले पर भरोसा नहीं करता था। अब इसके कुछ ही देर के बाद में कॉटन से मैरी को पता चलता है कि बैरम ने एग्जोसिस्म करके मर्सी से डेमन निकालकर उसको नॉर्मल किया है, और ये जानकर मैरी कॉटन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और उसको याद दिलाती है कि विचेस से भी ज्यादा सालेम में एग्जोसिस्म को पाप माना गया है और कॉटन ने कैसे सालेम में एग्जोसिस्म को होने दिया। मैरी ने कॉटन को बहुत इंसल्ट भी किया था जिस वजह से कॉटन बहुत ज्यादा गुस्सा था, और कॉटन पार्टी से बाहर आ जाता है। पार्टी के बाहर उसे ग्लोरिया मिलती है और कॉटन सोचता है कि ग्लोरिया के साथ में टाइम बिताने की वजह से कॉटन अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। ग्लोरिया भी कॉटन को सेड्यूस करने लगती है और कॉटन अपने गुस्से पर काबू नहीं पाता है और वो ग्लोरिया के साथ में इंटीमेट होकर उसको पैसे देकर वहां से चला जाता है। पैसे देकर कॉटन ने ग्लोरिया को ये बताया था कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है न कि उसका प्यार। इस तरफ विलियम शिप को जाने देने की परमिशन जॉर्ज से लेने के लिए आता है और जॉर्ज विलियम को वही पेपर देता है। उस पेपर पर विच लिखा हुआ था, लेकिन जॉर्ज विलियम से कुछ बोल नहीं पाता है और विलियम भी ठीक से कुछ समझ नहीं पाता है कि जॉर्ज उसे क्या कहना चाहता है और पेपर को लेकर वहां से चला जाता है। अब मिस्टर हाले यहाँ पर जॉन को वुडू डॉल दिखाकर जॉन को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि विचेस उनके दुश्मन है और विचेस ने उनकी बेटी एना को नुकसान पहुंचाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन जॉन फिर भी मिस्टर हाले की बातों में नहीं आता है और जॉन को पता था कि मिस्टर हाले भी कहीं ना कहीं विचेस के साथ में मिले हुए थे, लेकिन इसे साबित करने के लिए जॉन के पास में कोई भी सबूत नहीं था। मैरी और टिटुबा जब घर आते हैं तो विलियम उनके घर पर ही ड्रिंक कर रहा था और वो मैरी को ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर मैरी ने शिप को आने जाने की परमिशन नहीं दी तो वो ये जॉर्ज का विच लिखा हुआ पेपर सबको दिखा देगा। मैरी तब विलियम की बात मान जाती है, लेकिन अब विलियम भी उनके लिए खतरा बनता जा रहा था। असल में विलियम को रोज ने एक बॉक्स को शिप से लाने को कहा था और रोज नहीं चाहती थी कि मैरी का किसी दूसरे विच के सामने उसका नाम आए। इस तरफ मैरी फिर से अपना जादू चलाकर मर्सी के अंदर फिर से वही डेमोनिक स्नेक डाल देती है और अब से मैरी मर्सी को पहले के जैसे कंट्रोल कर पा रही थी। उसी रात टिटुबा जॉन को विलियम के खिलाफ भड़काने आती है और टिटुबा जॉन को बताती है कि विलियम मैरी को ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर मैरी ने शिप को आने जाने की परमिशन नहीं दी तो विलियम मैरी और जॉन के पहले के अफेयर के बारे में सभी को बता देगा। ये सुनकर जॉन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और विलियम को ढूंढने के लिए चला जाता है। इधर विलियम शिप से रोज के कहे हुए उसी बॉक्स को कलेक्ट करता है और रोज को देने के लिए जाने लगता है। फिर मिस्टर हाले यहाँ पर एना को जॉन से दूर रहने को कहते हैं, नहीं तो मैरी एना से नाराज हो सकती थी, लेकिन एना मिस्टर हाले की तरह मैरी से नहीं डरती थी और इस बात पर मिस्टर हाले और एना के बीच में झगड़ा होता है।
विलियम को इधर जॉन पकड़ लेता है और उसका गला घोटकर उसे बुरी तरीके से मार डालता है और वो उस बॉक्स को अपने साथ में ले आता है। फिर उसी रात मैरी को मर्सी वही डेमोनिक सांप अपने हाथ में लेते हुए उसके पास दिखती है, लेकिन अगले ही पल मर्सी गायब हो जाती है और यहाँ पर ये दोनों एपिसोड खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों एपिसोड में हमने ये देखा कि आइजेक ने विचेस को देखा था, तो इसीलिए उस पर ब्लैक मैजिक करके उसको सबके सामने विच बनाने की कोशिश की गई। लेकिन आइजेक मेरी का दोस्त था, तो इसीलिए आइजेक को बचाने के लिए मेरी ने एना पर ब्लैक मैजिक किया। और तब मिस्टर हाले को आइजेक को छोड़ना पड़ा। जॉन को भी यहाँ पर मिस्टर हाले पर शक हो चुका था। भले ही मिस्टर हाले अच्छा बनने की कितनी भी कोशिश कर ले, बैरन ने भी एग्जोसिस्म करके मर्सी से उस डेमोनिक स्नेक को तो निकाल लिया था, लेकिन मेरी ने फिर से मेरी के अंदर डाल दिया और अब मेरी जैसा चाहे वैसे मर्सी को कंट्रोल कर पा रही थी। मेरी की रेपुटेशन बचाने के लिए जॉन ने विलियम को मार डाला ताकि उसके और मेरी के पहले के रिश्ते के बारे में किसी को भी कुछ भी पता न चले। और जॉन को विलियम से एक बॉक्स मिला था, तो अब आने वाले एपिसोड में हमें देखना होगा कि उस बॉक्स में क्या है और ये कहानी क्या मोड़ लेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। मेरे द्वारा एक्सप्लेन किए गए वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो लाइक और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो नहीं छूटे। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।